नोएडा में भी मौसम काफी सुहाना हो गया है, तो दिल्ली एनसीआर में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में बारिश हुई है, जिसके बाद लोगों को राहत मिली है। मौसम काफी सुहाना हो गया है। दिल्ली एनसीआर के लोग जो भीषण गर्मी से परेशान थे, आज मौसम काफी सुहाना हो गया है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। नोएडा में भी मौसम काफी सुहाना हो गया है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है। गाजियाबाद में मौसम का मिजाज बदला, उमस भरी गर्मी से बारिश ने दिलाई लोगों को राहत। इस वक्त गाजियाबाद में बारिश पड़ रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई दिनों से गाजियाबाद के अंदर उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही थी, तो वहीं आज मौसम ने अपना मिजाज बदला है और मिजाज बदलने के साथ साथ बारिश भी पड़ रही है। और इस बारिश ने जो उमस भरी गर्मी लगातार पड़ रही थी, जिससे लोग बेहद परेशान थे, उससे काफी हद तक राहत दिलाई है। स्कूटी सवार एक व्यक्ति यहाँ पर खड़े हैं, भीग चुके हैं बारिश में, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे क्या कुछ कहना है। सर, बारिश पड़ी है, कितनी राहत मिली है बारिश पड़ने से? काफी राहत मिली है, पहले बारिश कई दिनों से हुई भी नहीं थी, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, तो इसलिए काफी राहत मिली है। लगातार गाजियाबाद की जनता ये कह रही थी गाजियाबाद में बारिश नहीं पड़ती है, बारिश नहीं पड़ती है, लेकिन जो गर्मी थी उससे कितनी राहत है अब? सर, काफी राहत है सर। बाकी लगता है गाजियाबाद में बारिश नहीं पड़ती है? बारिश तो काफी महीने से नहीं पड़ी थी सर, बारिश काफी दिन से नहीं पड़ी थी, तो राहत मिलेगी इस बारिश से? राहत मिलेगी सर गर्मी से। तो बिल्कुल गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है इनका कहना है, और बारिश का ये शायद आनंद भी ले रहे हैं। स्कूटी पर खड़े होकर यहाँ पर पूरी तरह से भीग भी चुके हैं। नजारा आपको दिखाते हैं, चारों तरफ हवाएं भी चल रही हैं और हवाएं के साथ साथ जो मौसम है वो सुहाना हो गया है गाजियाबाद का, क्योंकि बारिश पड़ रही है और बारिश की वजह से जो गर्मी थी उससे राहत मिली है उमस भरी। और पुलिस कर्मियों को भी आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश से बचने के लिए अंदर जो इनकी यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है उसमें जाकर वो जा रहे हैं। और ये एक और पुलिसकर्मी आप देखेंगे हल्के भीगते हुए बारिश का आनंद लेते हुए आगे जाते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि उमस भरी गर्मी से बारिश ने राहत दिलाई है। कई दिनों से गाजियाबाद के अंदर उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, मौसम विभाग जरूर ये भविष्यवाणी कर रहा था कि बारिश पड़ सकती है, तो ऐसे में बारिश पड़ रही है और तेज हवाएं फिलहाल गाजियाबाद में देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद। और चलिए गाजियाबाद से संवाददाता हिमांशु और नोएडा से अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, अगर नोएडा की बात करें तो क्या कुछ इसमें मौसम की तस्वीरें हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी से लोग परेशान थे। देखिए, उमस भरी गर्मी थी और उमस भरी गर्मी से लोग खासे परेशान थे। पिछले दिनों बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार जो गर्मी का सितम है वो लोग झेलने के लिए मजबूर थे। आज की बात की जाए तो सुबह से इस तरीके का मौसम बना हुआ था, बारिश आने का अनुमान मौसम वैज्ञानिकों द्वारा भी जताया गया था, लेकिन अब शाम को हुई बारिश के बाद से लोगों ने काफी राहत ली है, गर्मी की उमस से राहत ली है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, मैं कलेक्ट्रेट में मौजूद हूं, यहां जिलाधिकारी का ऑफिस है, तमाम लोग अपने काम के लिए आते हैं और कलेक्ट्रेट में इतनी बारिश होने के बाद जो जलभराव है, जलभराव होना शुरू हो गया है। यहां पर भी नोएडा की अगर बात की जाए तो थोड़ी सी बारिश के बाद जहां लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, वहीं जलभराव और जाम जैसी जो समस्याएं हैं उनसे जरूर जूझना पड़ता है। हालांकि अभी बहुत ज्यादा जलभराव वाली तस्वीर नहीं बनी है, लेकिन धीरे धीरे जलभराव की स्थिति कलेक्ट्रेट में होना शुरू हो गई है। लेकिन पिछले दिनों से 38 डिग्री तक की बात की जाए तो कल और आज 38 डिग्री तक जो तापमान है वो पहुंचा, उसके बाद लगातार लोगों को गर्मी परेशान कर रही थी और सभी लोग बारिश आने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब बारिश आई है तो बारिश आने के बाद काफी राहत लोगों ने ली है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बारिश के पानी में नहाने के लिए निकले हैं गर्मी से बचने के लिए। कुछ बच्चों की भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, आप देखिए ये बच्चे यहाँ कलेक्ट्रेट में पहुंचे और जो पानी भरा हुआ है उस पानी में यहाँ पर खेलते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं। आसपास के इलाकों के बच्चे थे, तो बारिश होने से इसी तरीके से लोगों में खुशी जो है वो जरूर देखी जा रही है, क्योंकि गर्मी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा था, बढ़ते तापमान के बाद बारिश हुई है, तो ऐसे में
अंदाजा यही लगाया जा रहा है जिस तरीके का मौसम वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान जताया गया था कि अब तकरीबन 3 से 4 दिन तक लगातार इसी तरीके की बारिश होगी। दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है वो खुशनुमा होगा। पर देखना यह होगा जो तैयारियों के दावे यहाँ प्राधिकरण की तरफ से किए गए हैं, जिला प्रशासन की तरफ से किए गए हैं कि बारिश आने के बाद जल भराव ना हो या ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से जाम ना लगे उसकी व्यवस्था करती है, ये चीजें देखने वाली होगी। अब शाम का वक्त है, कुछ ही देर बाद तमाम लोग अपने दफ्तरों से निकलेंगे, तो जैसे ही वो दफ्तरों से निकलेंगे तो सड़कों की किस तरीके की तस्वीर होगी वो भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इस बारिश ने लोगों को गर्मी की तपिश से राहत जरूर दी है। जी बिल्कुल अमित, गर्मी की तपिश से लोगों को बहुत राहत मिली है। गाजियाबाद का भी रुख कर लेते हैं। हिमांशु, गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में भी कुछ नोएडा जैसी ही तस्वीरें हैं, बारिश हुई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है, मौसम काफी सुहाना हो गया है। बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले काफी तेज बारिश गाजियाबाद में हुई थी और उसके बाद बारिश रुक गई थी, लेकिन एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और जो आसमान है कह सकते हैं कि दिन के समय रात जैसा नजारा फिलहाल गाजियाबाद में हो गया है। मैं अपने बीजी से कहूंगा तस्वीरें आपको आसमान की सबसे पहले दिखाएं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये दिन का नजारा है। काले बादल आसमान में छाए हुए हैं, बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई है, लोग बारिश से बचने के लिए टीन शेड का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग यहाँ बारिश में खड़े हुए हैं उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है बारिश को लेकर। क्या नाम है भाई आपका? भैया मेरा नाम करण कुमार है। करण कुमार, क्या कहेंगे बारिश से कितनी राहत मिली है गर्मी से? आज की गर्मी से भी बहुत राहत है। तो नहाने का मन कर रहा है, नहाएंगे बारिश में? अभी आए हैं, फिर नहा के कपड़े चेंज करके फिर दोबारा आ गए। पहले भीग गए थे बारिश में, अब दोबारा पड़ने लगी है। दोबारा बारिश पड़ने लगी है, पहले भीग गए थे इनका ऐसा कहना है। और देख भी सकते हैं वाइपर, जो गाड़ी अंदर आ रही है वाइपर उसके चल रहे हैं सामने के, क्योंकि बारिश पड़ रही है, दोबारा से मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि बीच में बारिश रुक गई थी लेकिन दोबारा से मौसम बदला है और आसमान में काले बादल छा गए हैं और दिन के समय ही शाम जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ एक और शख्स हैं जो जा रहे हैं बारिश से, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बारिश हो रही है, क्या कहेंगे सर, मौसम कितना सुहाना हुआ है? मौसम बहुत अच्छा हो गया है, गर्मी से राहत मिली है। साथ में अगर जैसे जिस काम भी रुके हैं, जो लोग बाहर निकले थे वो भीग गए, उनको मतलब टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जाम सबसे ज्यादा जाम लग रहा है सड़कों, जाम लग रहा है। आप बाहर से आए तो आपने जाम देखा, मतलब देखा है, कहाँ कहाँ जाम लगा हुआ है? जाम आपका NH 24, आपका ये दिल्ली मेट्रो रोड पर लगा, खूब जाम लग रहा है, इसी वजह से, बारिश की वजह से, जल भराव की वजह से। तो ये समस्या भी हो रही है, जहाँ जहाँ जल भराव हो रहा है वहां पर जाम से लोगों को जूझना पड़ रहा है। बारिश ने राहत जरूर दिलाई है, जो उमस भरी गर्मी बीते कई दिनों से लगातार पड़ रही थी उससे राहत मिली है। तो वहीं इस बारिश ने थोड़ी सी परेशानी ये जरूर बढ़ा दी है कि जहां भी वाटर लॉगिंग होता है वहां पर जाम लगना शुरू हो जाता है। खासतौर पर गाजियाबाद की हम बात करें तो नगर निगम के दावों की पोल खुलती है जब भी पानी या जल भराव कहीं पर होता है। जिस तरह से ये आए, उन्होंने बताया कि ये NH 24 या फिर मेरठ रोड पर ये पहुंचे थे तो वहां पर जाम लगा हुआ है। अब बारिश होने लगी है तो ये जाम और भी ज्यादा हो जाएगा। और तेज बारिश अगर होती है तो गाजियाबाद में, हम पिछले साल की तस्वीरें आपको याद ही होंगी, कलेक्ट्रेट से लेकर जो MNA ऑफिस है वहां तक पानी घुस गया था। तो इस बार क्या हालात रहेंगे अगर तेज बारिश होती है तो जल जमाव किस तरह से रहता है, तो ये देखना दिलचस्प होगा। जी ठीक है, हिमांशु और अमित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। औरैया से बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने